एकदम से। क्या आपको लगता है चंबल में डकैत होते हैं? इतनी खूबसूरती है चंबल में कि आप देख कर दंग रह जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को हमें आपके माध्यम से प्रेरित करना है, लोगों को बुलाना है, जगाना है, इन जगहों पे भेजना है, जिससे हमारे युवकों को काम मिले और लोगों को रोजगार मिले। मैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी हूँ, मैं कई सालों तक यहाँ एस पी क्राइम एस पी ट्रैफिक रहा हूँ और इधर मैं शौकिया इन चीज़ों से जो म्यूज़िक है ख़ासतौर से अपने पिता की विरासत के नाते मैं इसमें जुड़ा हूँ और इन लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ और इस बात के लिए भी प्रेरित करता हूँ कि जो सारी शूटिंग्स वगैरह हो, जो प्लेस वगैरह हो, वो आप लोग उत्तर प्रदेश में करें, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो और हमारे जो अच्छे कलाकार हैं लखनऊ के ख़ासतौर से या बहुत से रिमोट एरिया के, उन बच्चों को भी, उन बच्चियों को भी मौका मिले, इसके लिए मैंने प्रेरित करता हूँ। और ये इस बार मैंने ये म्यूज़िक का सिस्टम हुआ ये बना है, हम लोगों ने एक बहुत ऐसी छोटी सी दुकान पर बैठे थे और मैंने इनको प्रेरित किया कि आप लखनऊ में कुछ शूट करिए, लखनऊ के कलाकारों को लीजिए और इसमें खासतौर से देहात की ओर भी जाइए, वहाँ शूट करिए। ये मैंने एक शुरुआत करा है। लखनऊ की बात करें अगर तो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर शूटिंग की हुई है इस फिल्म की? देखिए, लखनऊ के लिए तो गोमती ही बहुत बड़ी एरिया है, लेकिन आप ये मत समझिए जो गोमती बनी हुई है वही बहुत अच्छी है, जो गोमती बिल्कुल बेतरतीब है, जो लहरदार बह रही है, जो देहात के इलाके में जहाँ पर मिट्टी है और तटबंध हैं, ये वहाँ की एरिया बहुत खूबसूरत। आप ये मत समझिए कि बगीचे बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमारा पूरा का पूरा मलिहाबाद का आम का बगीचा बाकी है, वहाँ कोई शूटिंग नहीं हो रहा है। जब तक वहाँ शूट नहीं करेंगे, लखनऊ की शूटिंग कहाँ से हो गई? सीतापुर चले जाइए, लखीमपुर खेरी के खेतों में चले जाइए, शूटिंग का तो बहुत ही बड़ा रेंज हो गया है लखनऊ में। पूरा अगल बगल का इलाका देख लीजिए तो बहुत बड़ा रेंज होता चला जा रहा है। पहले सीन है आपके शूट का या हर तरीके का शूट का? देखिए, मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं तो जो भी मुझे मिल जाता है। विराज श्रीवास्तव साहब से मेरी बात हो रही थी, वो बहुत ही प्रयासरत भी हैं इस चीज़ को लेकर के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। उनका कहना है कि मैं उन नाव को भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करूँगा, ख़ासतौर से वो जो नवाबगंज वाला इलाका है। ये सारी चीज़ें हैं, अभी तो पूरा गोरखपुर बाकी है, रामगढ़ ताल बाकी है, बलिया का जो झीलें हैं वो बाकी हैं, अभी तो पूरा सोनभद्र बाकी है, जहाँ पे ऐसे से झरने हैं जो कहीं बहुत भी नहीं होंगे, मिर्ज़ापुर पूरा बाकी, बांदा बाकी, चित्रकूट बाकी, झांसी बाकी, बबीना का जंगल बाकी है। मेरी उंगली में तो रटी हुई चीज़ें हैं, इनकी जगह शूटिंग ही नहीं हो रही है। ऐसी खूबसूरत खूबसूरत जगह आप लोग देखेंगे, जाएंगे तो दंग रह जाएंगे। अब प्रकृति बिखरी हुई है एकदम से। क्या आपको लगता है चंबल में डकैत होते हैं? इतनी खूबसूरती है चंबल में कि आप देख कर दंग रह जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को हमें आपके माध्यम से प्रेरित करना है, लोगों को बुलाना है, जगाना है, इन जगहों पे भेजना है, जिससे हमारे युवकों को काम मिले और लोगों को रोजगार मिले।